भारत अमेरिका के बीच हुआ अहम करार। दुश्मनों का प्रहार अब होगा बेकार। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 1200 करोड़ रुपए के कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत भारत में वीवीआईपी विमानों को मिसाइल प्रोटेक्शन सूट से लैस किया जाएगा। इस प्रणाली को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्राओं को सुरक्षित करने के लिए खरीदा जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस समझौते पर दस्तखत हुए। मिसाइल प्रोटेक्शन सूट को 2 बोइंग 777 विमानों पर लैस किया जाएगा। ये किसी भी तरह के मिसाइल हमले से बचाव कर सकता है। दोनों देशों के बीच हुए इस करार में भारतीय विमानों के लिए आत्मरक्षा के इस साधन में इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर काउंटर मीजर सूट्स, काउंटर मीजर डिस्पेंसिंग सिस्टम और मिसाइल वार्निंग सेंसर शामिल होंगे। साथ ही नए बोइंग 777 विमानों के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 28 एकड़ की जमीन पर नई सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे और इसके लिए उन्हें भारत में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। वायुसेना के 4 से 6 पायलटों को बोइंग 777 के लिए एयर इंडिया की ओर से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बाकी पायलटों को भी ये ट्रेनिंग जल्द ही दी जाएगी। भारत को अमेरिका से 2 बोइंग 777 अगले साल तक मिल जाएंगे। इन्हें एयर इंडिया 1 कहा जाएगा। अभी तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान इस्तेमाल किया जाता था। इस विमान को एयर इंडिया 1 कहा जाता है। एयर इंडिया के पायलट ही बोइंग 747 एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं और AIESL इनका रखरखाव करती है। जब ये B747 विमान गणमान्य व्यक्तियों के लिए उड़ान भरते हैं तो एयर इंडिया इनका इस्तेमाल वाणिज्यिक संचालन के लिए करती है। इस विमान में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, जबकि SPG के मुताबिक ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।